हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं श्री जॉन, प्रोप्राइटर यूनिवर्सल डॉक्टर गोरखपुर, और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार हैवी बोन में चैंपियन ब्लड लाइन का जर्मन शेफर्ड का पपी लेके आया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कई बार आपके रिव्यूज़ मुझे मिलते हैं, कई बार आप व्यूअर्स या हमारे कस्टमर्स कॉल करके हमसे पूछते हैं जानकारी थी कि जर्मन शेफर्ड हैवी बोन की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप जानते हैं हैवी बोन, हैवी शब्द ऐसा होता है कि जिससे एक वजनदार चीज़ का तुरंत अनुमान होता है, तुरंत हमारे दिमाग में नॉक करता है कि कुछ हैवी है, कुछ हटके अलग हटके। देख सकते हैं इस शानदार पपी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बोन साइज, स्ट्रक्चर, फेस एक्सप्रेशन, एंगुलेशन और सारी चीज़ें जो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एक ओरिजिनल हैवी बोन का बढ़िया से अच्छा लॉन्ग टेल वाला अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड क्या होता है। चेहरा देख सकते हैं जूम करके, अगर आप देखेंगे थोड़ा सफ़र से असली पपी अभी उतना नहीं आपको दिख रहा है और इसकी वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा तो आप देखेंगे एक हैवी स्कल, हैवी फेस, ब्रॉड फेस कह लीजिए, हैवी फेस कह लीजिए, एक हेल्दी पपी। हेल्दी पपी की पहचान ही होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये KCI रजिस्टर्ड पपी है, ये रजिस्टर्ड लाइन ब्लड लाइन की पपी है, और इसके और भी पप्स हमारे पास में फीमेल अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके पप्स तुरंत नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ बुकिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। आपको बुक करने के बाद कुछ दिन का हमें समय देना पड़ेगा, हो सकता है उन दिन से हम जल्दी प्रोवाइड करा दें और एक डेट हम आपको बता देंगे। बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी की। जर्मन शेफर्ड कई वैरायटी के होते हैं, कई लाइन के होते हैं, हज़ारों ब्लड लाइन में आता है, क्वालिटीज़ हज़ारों होती हैं इनमें। अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड की बोन साइज अच्छी होती है, हैवी होती, स्कल ब्रॉड होता है, हैवी चेहरा जो है उसका साइज ब्रॉड होता है, नोज टिप देख सकते हैं इस तरह से नोज टिप होता है, एंगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए जर्मन शेफर्ड में, अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। टेल की बात करते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड्स कहते हैं भैया टेल रिंग है तो क्या ये डुप्लीकेट है? मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ये गलत बात है। कभी कभी क्या बचपन में लगभग आप देखेंगे 60% 50% टाइम जो है डॉग का ऐसा रहेगा कि वो हल्का सा कर्व कर लेंगे पूंछ को। अगर वो बचपन में कर्व करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पपी क्रॉस ब्रीड है या मिक्स है, बचपन में वो ये चीज़ें करते हैं। हाँ, रिंग बनना, सपोज दैट ऐसा रिंग बनना जैसे एक छल्ला टाइप का बन जाना, अगर आपके पपी के टेल में छल्ला बन जाता है तो वहाँ से हम समझते हैं कि पपी मिक्स है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है, इसलिए ये वीडियो हम आपके बीच मिला है। और भी पपी से हमारे अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका पपी आपके घर में बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का अच्छे रेट में आप तक हम आपको पहुँचा के देंगे। धन्यवाद। मैं आशीष जॉन, यूनिवर्सल डॉक्टर।